ज्ञानवापी मस्जिद का वाराणसी कोर्ट के आदेश पर सर्वे पूरा हो चुका है, लेकिन मुस्लिम पक्ष बार बार दलील दे रहा है कि स्थानीय अदालत का फैसला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का खुला उल्लंघन है। अभी तक मुस्लिम पक्ष जितनी भी दलीलें दे रहा है वो सभी इसी कानून पर टिकी हुई हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये कानून है क्या और इसका ज्ञानवापी मस्जिद से क्या लेना देना है। तो चलिए आपको बता दें कि साल 1990 में जब अयोध्या राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था तो उस वक्त मौजूदा केंद्र सरकार ने इस कानून को बनाया था। केंद्र को डर था कि देश भर में अलग अलग धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद बढ़ सकता है और इससे हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार 11 जुलाई 1991 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लेकर आई। इस एक्ट के अनुसार 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था और जिस समुदाय का था भविष्य में भी उसी का रहेगा। क्योंकि अयोध्या का मामला उस वक्त हाई कोर्ट में था इसलिए इस कानून से अयोध्या विवाद को अलग रखा गया। हालांकि जब केंद्र सरकार इस कानून को लेकर आई तो इसका विरोध भी हुआ, लेकिन ये कानून संसद से पास होकर लागू हुआ। इसके बाद नवंबर 2019 में राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इस फैसले में भी इस कानून का जिक्र किया गया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 संसद का ये कानून साफ करता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी पूजा स्थल की जो भी स्थिति है उसमें कोई धार्मिक बदलाव की इजाजत नहीं है, इसीलिए इस मामलों से जुड़े सभी मुकदमे अब खत्म माने जाएंगे। गोगोई ने अपने फैसले में ये स्पष्ट कर दिया था कि काशी और मथुरा के संदर्भ में यथास्थिति बरकरार रहेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस से सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने भी साफ कहा था कि देश अब किसी पूजा स्थल पर विवाद के लिए तैयार नहीं है। पीएम ने अपने बयान में कहा था कि अब देश में कटुता के लिए कोई स्थान नहीं है और सबको नए भारत के निर्माण में जुटना है। अब बात आती है अयोध्या विवाद का फैसला आने के बाद देश भर में करीब 100 मंदिरों की जमीन की दावेदारी को लेकर विवाद उठने लगा। लेकिन इस कानून की वजह से दावेदारी करने वाले लोग अदालत का रास्ता नहीं चुन सकते थे, जिसकी वजह से ये बखेड़ा और बढ़ता गया। हालांकि बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि ये कानून हिंदू, जैन, सिख और बौद्धों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करता है। उनके जिन धार्मिक और तीर्थ स्थलों को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा था उन्हें ये कानून फिर से बनाने के लिए कानूनी रास्ते बंद करता है। बीजेपी नेता ने अपनी याचिका में इस कानून की धारा 2, 3 और 4 को दोबारा चुनौती दी है। याचिका में विशेष रूप से कानून के सेक्शन 4 का सब सेक्शन 3 कहता है कि जो प्राचीन और ऐतिहासिक जगह है उन पर ये कानून लागू नहीं होगा। इस कानून में प्राचीन जगहों की परिभाषा भी दी गई है जिसके मुताबिक 100 साल या उससे ज्यादा पुराना कोई भी निर्माण हो तो उसे पुरातन माना जाएगा। इस नियम के हिसाब से कुछ जानकारों का कहना है कि मथुरा और काशी के मंदिर इसी वजह से कानून के दायरे से बाहर हो जाते हैं और इसी आधार पर अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत प्राचीन स्थलों की ये परिभाषा साबित हो जाती है तो काशी और मथुरा इस कानून के दायरे से बाहर हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो देश भर के 100 से ज्यादा ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिन्हें लेकर ये तथ्य रखे जाते हैं कि इन्हें औरंगजेब के शासन में तोड़ा गया था और अब इन्हें फिर से उनके मूल स्वरूप में लौटाया जाए।